कर सकते हैं, बट फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, एक चैनल पैटर्न में ट्रेड में रेंज में एक ट्रेड कर रहा था फिलहाल के लिए। अभी पहले छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो आप क्या हुआ है आज मॉर्निंग के सेशन में। ये है आज सुबह की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, एक बड़ी वोलेटाइल कैंडल, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद एक ऊपर, फिर उसके बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम। तो कई लोग यहाँ पर जो नए नए ट्रेडर्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप हुए आज के दिन पे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया देखो अभी तो यही चलने वाला है, फिलहाल तो यही चलने वाला है। इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर लगाते हैं और आप समझने का ट्राई करना जो मैं बात बता रहा हूँ। अभी अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सर हम अगर इस रेंज के बीच में ट्रेड निकाल लें तो क्या प्रॉफिट कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। हम यहाँ पर एक रेंज डिसाइड करने वाले हैं आज की वीडियो में, उस रेंज के बाहर निकलता है तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉच आउट करेंगे। तो ये सभी व्यूअर्स के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितने टेलीग्राम वाले हैं या यूट्यूब में जितने भी लोग देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेंज यहाँ पर क्रिएशन कर देते हैं कि भैया अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकला तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे कल के सेशन में। तो पहला हो गया हमारा 38,000 का लेवल। तो अगर मान लीजिए 38,000 का लेवल नहीं तोड़ते, क्योंकि देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये बताने का रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए, मान लो आप यहाँ पर कहीं ट्रेड लेते हो इस रेंज में, ये फटक से ऊपर निकल जाएगा, फिर आपके साथ यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो ऊपर निकल गया। अब मान लो आप कहीं यहाँ पर ट्रेड लेते हो, ये झटक से नीचे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि अगर देखो सर हो सकता है कल के सेशन में या परसों के सेशन में, जब भी ये रेंज तोड़ेगा हम तब ट्रेड लेंगे। तो फर्स्ट जो रेंज हो गई 38,000 की जो रेंज है वो, उसके डाउन साइड के लिए अगर तोड़ता है तो हम पुट साइड के लिए जाएंगे, और अगर 38,500 का लेवल ऊपर के लिए ब्रेकआउट देता है तब हम ट्रेड करेंगे। तो ये क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने 500 की रेंज, 500 पॉइंट्स की रेंज। अब ये किसके लिए, पहले इस बात को समझना, ये उनके लिए है जिनको ट्रेड भी लेना है लेकिन ट्रेड लेने से डर भी लगता है, लॉस ना हो जाए उस बात से भी डर लगता है, और लॉस कम से कम लेना है। तो ये रेंज उन लोगों के लिए कि भैया देखो मस्त करके पीछे सीट में बैठ जाओ आप, और जब तक रेंज ब्रेक ना करे तब तक ट्रेड मत करो। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग वालों की, तो जो जिनको मतलब ट्रेड लेना होता है, तो उनके लिए ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, तो ये उनके लिए, अगर आपको कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है, तो एक छोटा सा एक 30-40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख के इस रेंज पर ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, और ऊपर आप 38,400, 38,500, 38,350 का टारगेट ले सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पर, अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़े बैंक निफ्टी। तो ये तो हो गई उन रिस्की ट्रेडर की मैं बात कर रहा था, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है उनके लिए रेंज बता दी गई है 38,000 के नीचे पुट, 38,500 के ऊपर कॉल, उससे पहले ओनली एंड ओनली साइडवेज, और ट्रैप करेगा आपको। अगर आपको लग रहा है 100 पॉइंट ऊपर चले गए सर मिस हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा मोमेंटम मिस होता है तो हो जाने दो, क्योंकि उस मोमेंटम के चक्कर में ना जाने आपकी कितना ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर हैंडल करना पड़ सकता है, क्योंकि वो 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 पॉइंट नीचे आएगा, 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 पॉइंट नीचे आएगा। इस तरीके से निफ्टी में बात कर लेते हैं, आपने नोट कर लिए होंगे लेवल्स, तो निफ्टी में हम बात करने वाले कुछ इसी तरीके से। अब देखो इसमें मैंने रेंज निकाल के रख दिया, क्यों, क्योंकि अब आप देखो मॉर्निंग के सेशन में इसमें एक अच्छा सेल ऑफ आया, इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फटाक से ऊपर निकल गया, फिर यहां पर नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन से हल्का सा फिर धीरे साइडवेज ही हो गया था उसका मतलब। अब इसमें भी एक रेंज निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं इस लेवल को तोड़ेगा कॉल ले लेंगे, इस लेवल को तोड़ेगा पुट ले लेंगे, कल भी फिर वही स्टोरी हो जाएगी, साइडवेज हो गया, तो एक रेंज निकाल लेते हैं। वो रेंज है आपकी यहां पर 17,400, 17,400 का लेवल अगर ये डाउन साइड के लिए तोड़ता है तो हम पुट साइड जाएंगे। अगर 17,400 तक आता है, सपोर्ट लेता है, कुछ भी करता है, हमें इस पर नहीं छेड़ना है। 17,400 के नीचे निकलेगा तो पुट साइड देखेंगे। अब टारगेट कहाँ तक होंगे, देखो टारगेट आप ले सकते हो 17,350, 17,300, 17,250। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अपना प्रॉफिट अपने कम्फर्ट जोन से बुक करते हो। सेकेंड चीज़, ये तो हो गई पुट साइड की बात, अब बात कर लेते हैं कॉल साइड के लिए। तो कॉल साइड के लिए मैंने लेवल ऑलरेडी यहाँ पर प्लॉट कर रखा है, 17,600 का लेवल है। 17,600 का लेवल जब तक ऊपर के लिए ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हमें निफ्टी में कॉल साइड नहीं जाना है। हालांकि बैंक निफ्टी में देखें तो 250 पॉइंट की रेंज निकल कर आ रही है, लेकिन निफ्टी में कुछ ज्यादा है नहीं, निफ्टी में छोटी सी रेंज है। 17,400 डाउन साइड है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 17,600 ऊपर मतलब मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट की रेंज है ऊपर के लिए। तो 17,600 के ऊपर जाता है
ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल साइड जाएंगे, 17400 के नीचे निकलता है तो हम पुट साइड जाएंगे। इस बीच में क्या करना है, इस बीच में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करना है कि क्या कर रहा है। जो स्कैल्पर है वो इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेके ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ट्रैपिंग में आप फंस सकते हो। तो क्लियर कट मैंने बता दिया है आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं उन इंट्राडे स्टॉक्स की जो कल के लिए सिलेक्ट करे हुए हैं। फर्स्ट जो पिक होने वाली है वो है चोलामंडलम। चोलामंडलम को सिलेक्ट करने का रीजन मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर यह आया है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाने का ट्राई किया लेकिन विफल रहा बनाने में। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है तो 764 के नीचे सेल करके ये टारगेट हम ले सकते हैं, ये एसएल होगा। इन केस अगर मान लो ये 775 के ऊपर निकल जाता है, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है तो बाइंग करेंगे ये टारगेट और ये एसएल। क्लियर है। जो हमारी अनदर पिक होने वाली है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे मार्केट कैसा भी रहा लेकिन इस बैंक ने आज स्ट्रेंथ शो करी, आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता रहा, बिल्कुल भी नीचे आने का नाम नहीं लिया। तो अगर मान लो हमारा ये मानना है कि अगर कहीं इस लेवल पर ये रहता है और ब्रेकआउट दे देता है तो बाय करेंगे, और अगर मान लो रिजेक्शन खा के नीचे गिर जाता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजिशन बना सकते हैं। क्या हमारे यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस रहने वाले हैं, सेल करेंगे 1056 के नीचे, ये टारगेट्स ये एसएल। बाय करेंगे 1068 के ऊपर, ये टारगेट्स और ये हमारे एसएल होने वाले हैं। जो अनदर पिक होने वाली है वो है आपकी डीएलएफ। अब कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर अगर मान लो मार्केट में फॉल आता है, क्योंकि आना तो है ही क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेच ऊपर के लिए हो चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000-2000 पॉइंट गिर जाएगा, जो भी गिरेगा थोड़ा बहुत भी गिरेगा, तो उसमें से कौन सा सेक्टर है जो वीक हो सकता है सबसे ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से रियलिटी सेक्टर जो है प्रेशर में आ सकता है अगर मार्केट में करेक्शन फॉल में देखने को मिलता है। तो मैंने डीएलएफ सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इसके लेवल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर मान लो ये अपनी इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है 365 के नीचे तो सेल कर सकते हैं, ये टारगेट और ये हमारा एसएल होगा। क्लियर है। अनदर जो पिक होने वाली है वो है आपकी एक्सिस बैंक, लास्ट स्टॉक है। एक्सिस बैंक में ये क्या कर रहा है, इस लेवल पर फॉल करने के बाद इस लेवल को बार बार इसको टेस्ट कर रहा है। अगर फॉल कर देता है तो अच्छी बात, नहीं करता है ऊपर निकल जाएगा तो हम यहाँ पर बाइंग साइड के देखेंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी हमारी सेलिंग साइड के लिए। तो कैसे करेंगे, 735 के नीचे सेल करके ये टारगेट्स और ये एसएल। बाय की अगर सिचुएशन बन जाती है तो सोचेंगे उस बारे में 742 के ऊपर, अदरवाइज सेलिंग की प्रेफरेंस रहेगी। तो ये तो हो गए हमारे इंट्राडे स्टॉक जो कल के लिए सिलेक्ट करें। अब बात कर लेता हूँ उनकी जो मैंने आपको कल दिए थे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो भैया कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, मुझे तो नहीं लगता किसी ने ट्रेड कर पाया होगा, अगर कोई कर पाया है तो मुझे बताना, क्योंकि अब 1061 के ऊपर बाय करने को दिया था नहीं गया तो कोई ट्रेड नहीं बना, सेल 1040 के नीचे दिया था तो 1040 के नीचे भी नहीं गया, कोई ट्रेड नहीं बना। लास्ट अनदर जो पिक थी हमारी वो थी ऑरोफार्मा। फर्स्ट कैंडल में तो फिर ट्रेड लेना नहीं होता, सेल 563 के नीचे सेल करने को दिया था नहीं गया, कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि साइडवेज था मार्केट, तो जाएगा कहाँ से, सही बात है। M&M दिया था सेल करने को 1270 के नीचे, 1260 का इसने लो लगाया लेकिन उसके बाद बहुत ऊपर के मूव्स दिखाए तब जाके नीचे आया, तो कह सकते हो टारगेट हिट हुआ लेकिन साइडवेज होके। जो लास्ट पिक थी हमारी SRTR में अगर आप देखोगे क्या हुआ है यहाँ पर, तो देखना क्या है, पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर आज साइडवेज रहा तो SRTR भी आज साइडवेज रहा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और मार्केट ट्रेडर पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में।